हे गाइस, वेलकम बैक टू जिया का जायका। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, हमने कढ़ाई लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल, साथ में डालेंगे जीरा, मेथी और तेज पत्ता। एक से दो मिनट इसे तेल में रहने देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट और इसे तेल में एक से दो मिनट अच्छे से भुनेंगे। एक से दो मिनट इसे भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, साथ में डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और डाल देंगे हल्दी का पाउडर, नमक स्वादानुसार। इन सारे मसाले को अच्छे से इसमें मिला देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसे 5 मिनट अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले का तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, साथ में डाल देंगे धनिया का पत्ता, मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा टमाटर हल्का नरम हो जाए। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटर। हमने मटर कच्चा लिया है, आप चाहें तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं। इसे फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारा मटर भी हल्का नरम हो जाए। इसे फिर से ढक देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू, जिसे हमने बॉईल करके इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डाल देंगे इसमें ग्रेवी के लिए। और ढक देंगे और लो फ्लेम पे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए, 10 मिनट बाद अब हमारी आलू मटर की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इसे हाथों से रब करके डालेंगे। और गार्निश कर देंगे टमाटर और धनिया के पत्ते से।
अभी बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।